तस्वीरों में दिख रहा नजारा जिला कैथल का है, जहां ड्राइवरों ने हिट एंड रन कानून में 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना वापस लेने की मांग की। साथ ही जिला भर के ड्राइवरों की ओर से सचिवालय में आज तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सरकार से हिट एंड रन में लाए नए कानून को रद्द करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कानून रद्द नहीं किया तो देश भर में 16 फरवरी को पूर्ण रूप से चक्का जाम कर आंदोलन तेज किया जाएगा। आज का प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है हिट एंड रन, यानी कि भारतीय न्याय संहिता कानून, तो उसके अंदर ड्राइवरों को जो है 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि ड्राइवर जो है उस यात्री जिसके साथ एक्सीडेंट है उसको उठाकर लेकर जाएं और मजिस्ट्रेट को जो है उसकी इतला दें। ये तो सही है, हम भी मानते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस टाइम अगर एक्सीडेंट होता है तो दूसरे जो लोग हैं अन्य लोग जो उसको ही मार देते हैं ड्राइवर को, ये अन्याय है। हम ये कहना चाहते हैं ये कानून तो अगर ड्राइवर पर ये सवारी उठा कर ले कर जाने की बात है, हम ले जाने तैयार हैं, लेकिन ये कानून उन पर लागू होना चाहिए कि ड्राइवर को कोई हाथ ना लगाएगा और उसके डर के अंदर ड्राइवर जो है भाग जाता है तो ये उसकी मजबूरी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये कानून जो है बिल्कुल वापस होना चाहिए, इससे हम सहमत नहीं हैं। हिट एंड रन कानून बार सरकार लेकर आई है, इसके लिए हमने एक सिग्नेचर अभियान चलाया था, जो हमने आज डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन हमारे माननीय राष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह जी को भेजा है। तो जो सरकार कानून लेकर आई है हिट एंड रन, ये देश की आने वाली युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए कानून है, कड़ा कानून है। इसको कुछ साथी मानते हैं कि ट्रक ड्राइवरों पर लागू है कानून, ये ट्रक ड्राइवर पर लागू ना होकर देश के हर उस नागरिक पर लागू है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। और जैसे नया पीढ़ी है, आजकल व्हीकल बहुत ज़्यादा हो गए, अगर कोई आज की 20 साल की उम्र में कोई युवा पीढ़ी से कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है और उसको 10 साल की सज़ा होती है, तो वो तो 30 साल बाद अगर अपने परिवार से मिलता है तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं और इसकी निंदा करते हैं कि इस कानून को वापस ले। गौरतलब है कि एक बार फिर से लोग हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार उनकी मांगों पर इस कानून में क्या कुछ बदलाव करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।